हेलो एवरीवन, आज है 4th अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITC लिमिटेड की। 378 रुपये पर यह शेयर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि इसी रेंज में, इसी प्राइस रेंज के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाज़ार में तेज़ी हो या मंदी हो, लेकिन इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है हमें। वीडियो में हम बात करेंगे क्या दिक्कतें हैं स्टॉक को लेकर, क्या स्टॉक फ्यूचर में आगे जाएगा, क्या इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और भी बहुत सारी बातें को जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 379 पे ये ट्रेड कर रहा है। पिछले वन मंथ की मैं बात करूँ तो लगभग 2.5% से गिरावट है इसमें, और लास्ट डे भी जब ट्रेड हो रहा था तो इसमें थोड़ा बहुत गिरावट को देखने को मिल रही है और लगातार अभी ये शेयर गिरता ही जा रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे पिछले 1 ईयर की, तो 1 साल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा बना के दिया है। लगभग 250 रुपये से 380 के लेवल को टच किया इसने और अभी भी ट्रेड उसी के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग 48.44 मतलब 49% के करीब स्टॉक यहाँ पे भागा हुआ है जी। तो देखिए, जो अभी ये स्टॉक है वो 380-390 के बीच ही ट्रेड कर रहा है और ये जो कंसोलिडेटेड एरिया में और काफ़ी टाइम से इसी रेंज के बीच में है। बाज़ार में तेज़ी हो या बाज़ार में गिरावट हो, इस स्टॉक में किसी भी प्रकार का कुछ बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है हमें। पिछले 5 साल के देखा जाए तो 5 साल में भी इसमें 45% के लगभग तेज़ी है। 150 रुपये के शेयर ये आसपास गिरा हुआ था, बॉटम बनाया हुआ था, बट 150 रुपये से 380-390 का लेवल ये टच किया है और कंपनी जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इतनी मंदी के दौर में भी ये कंपनी अभी भी गिरने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। ITC लिमिटेड अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 70 लाख के क्वान्टिटी में शेयर ट्रेड हो रहे थे लास्ट ट्रेडिंग डे में, जो कि काफ़ी अच्छा है। इतना ही नहीं, शेर खान की खरीदारी का रिकमेंडेशन है, टारगेट यहाँ पे 450 का दिया हुआ है। रिसर्च रिपोर्ट की बात करेंगे, शेर खान ने जो यहाँ पे किया हुआ है रिसेंट अमेंडमेंट, तो इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस है टोबैको का है और सिगरेट वाला है, लेकिन इसके अलावा जो इनका FMCG का बिजनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो यहाँ पर ITC विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ पर एनम टू सपोर्ट इट्स की बिजनेस एंड एक्सेलरेट ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स। का आने वाले साल में वो 3000 करोड़ केवल एक्सपेंडेशन बिजनेस में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, जो मनी कंट्रोल के यूज़र हैं उनके अकॉर्डिंग 70% लोग यहाँ पर आपको बाइंग के रिकमेंडेशन कर रहे, 20% आपको सेल करने का रिकमेंडेशन दे रहे और 10% यहाँ पे होल्ड करने के रिकमेंडेशन कर रहे हैं आपको। कंपनी के जो टारगेट है वो बहुत ही अच्छे हैं, चाहे शेर खान की बात करूँ या मोतीलाल ओसवाल की बात करूँ, सबका जो टारगेट है वो 450 रुपये का है। डिविडेंड भी कंपनी बहुत ही अच्छे पे करी है, लास्ट ईयर 2 बार डिविडेंड पे किया था, पहला 5.25 रुपये का और दूसरा 6.25 रुपये का। उसके बाद इस साल भी फरवरी मंथ में 6 रुपये का डिविडेंड इन्होंने पे किया हुआ है और इस साल दोबारा भी पे करेंगे और ये पे कर सकते हैं लगभग मई या जून वाले महीने में। देखिए, और ये नेक्स्ट डिविडेंड जो आपको हो सकता है वो अभी तो 6 रुपये का है, तो 6 रुपये से अगर स्टॉक आगे बढ़ता है तो इससे ज़्यादा का भी आपको डिविडेंड मिल सकता है। 7-8 रुपये का भी डिविडेंड आपको देखने को मिल सकता है जो नेक्स्ट डिविडेंड अनाउंस करेगी ITC। बोनसेस की जहां तक बात है तो बोनसेस 2016 में लास्ट टाइम पे किया था, उससे पहले 2010 में, फिर 2005 में, तो बोनसेस भी कंपनी काफ़ी टाइम पे कर रखी है। तो स्टॉक में बहुत बार जो देखिए, जैसे कि पास डेटा के अनुसार बहुत बार डिविडेंड भी पे कर चुका है और बहुत बार इसमें ये डिविडेंड और बोनसेस पे कर चुका है दोनों चीज़ें, तो इसकी वजह से ये स्टॉक में कुछ ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। और बोनसेस मुझे लगता है कि 2023 में बोनसेस फिर से स्टार्ट कर सकता है, पिछले 5 साल का डेटा देखा जाए तो अभी सबसे अच्छी रेंज में ट्रेड कर रही है ITC इस वजह से। और जब भी बोनसेस इशू होता है तो हाई प्राइस पे ही होता है, तो अभी देखने को मिल सकता है कि बोनसेस फिर से इशू कर सकती है। देखिए, जब भी अगर मैं बोनसेस के आपको डेटा दिखाऊं तो सारे बोनसेस में पहले 2005 को पे किया, फिर 5 साल बाद 10 में पे किया, उसके बाद 6 साल बाद 16 में पे किया, तो अभी 7 साल बाद 23 में पेइंग हो सकती है बोनसेस की, जैसे कि मुझे लगता है। और ये साल बहुत ही अच्छा और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि आपको बोनसेस इशू की जा सकते हैं।
देखिए, जहाँ तक मैं रेवेन्यू की बात करूँ, रेवेन्यू काफ़ी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 50,000 करोड़ से यहाँ पे 60,000 करोड़ पे देखा हुआ आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस को इस कंपनी को दिक्कतें हुए वो हुए कोविड के टाइम, क्योंकि कोविड के टाइम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही, तो कहीं ना कहीं वो सिगरेट को कंजप्शन और बहुत सारे जो बिजनेसेस थे लॉकडाउन की वजह से, जो जहाँ पे सिगरेट और टबाको का कंजप्शन बहुत ही कम हो गया है, कम हो गया था बहुत ही ज़्यादा। देखिए, टोबैको का बिज़नेस इसका है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और इनका बिज़नेस है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है FMCG। FMCG सेक्टर में कंपनी मार्केट लीडर बन रही है, बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर बन के उभर रही है मार्केट में, क्योंकि अगर इनके प्रोडक्ट देखा जाए तो इनके प्रोडक्ट गाँव में भी होता है, शहरों में भी होता है, बड़े दुकानों की बात करें उसमें होता है, छोटे किराने स्टोर्स में भी होता है, बड़े शहरों में होता है। और इनका जो प्रोडक्ट का कंजप्शन है वो हर कैटेगरी के, हर तरीके के जो लोग हैं सब यूज़ करते हैं। रेवेन्यू की जहाँ तक मैं बात करूँगा कंपनी की, रेवेन्यू के साथ साथ जहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊँ तो प्रॉफिट भी और भी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। दिसंबर वाले क्वार्टर में यहाँ पे सबसे हाई प्रॉफिट दिखाया हुआ है, लगभग 5,000 करोड़, और आने वाले में और भी ज़्यादा दिखा सकता है। ITC की अगर मैं पी की रेशियो की बात करूँ, 26 रुपये का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 47 रुपये का है, तो उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, ठीक ठाक स्टॉक अगर प्रॉफिट बना रही है तो महंगा स्टॉक होगा और इसमें भी खरीदारी भी होगी। 89% रिकमेंड जो एनालिस्ट है टिकट टाइप के, वो आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। देखिए, प्रमोटर यहाँ पे कोई नहीं है, 0% है, बट म्यूचुअल फंड की जो है वो 9.65% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 32.51% है, फॉरन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 42.96% है, रिटेल्स और अदर्स की बात करूँ तो 14.87% यहाँ पे रिटेल भी बैठे हुए एक तगड़ी होल्डिंग लेकर के। चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके बहुत सारे जो बिजनेसेस है, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इनका पैकेजिंग है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो इनका मार्केटिंग है, सारा चीज़ एक ही कंपनी मैनेज करती है। और ये यही आपको न्यूज़ देखने को मिल सकता है कि कंपनियाँ डीमर्ज होगी, अलग होगी। और इन सब से पहले मुझे लगता है कि जो होटल बिजनेस है इनका, वो सबसे पहले अलग होगा, और उसे अलग होना भी चाहिए क्योंकि वो एक अलग सेक्टर हो जाता है। देखिए, तो ITC बिल्कुल सही है, और जो न्यूज़ आ रहे थे डीमर्ज को लेकर के, मैनेजमेंट सामने से आकर लोगों को बता भी रहे थे कि डीमर्ज होने वाला है, और ये चीज़ें बहुत उभर के आई थी, और जिसकी वजह से जो एक स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिला था। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक मैं बात करूँगा, तो जो फ्रेश बाइंग है आप कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे इसको आने दीजिए, करेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी लेवल पे फ्रेश बाइंग कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे आपको एक सबसे मेन बात यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि आपको थोड़ी क्वांटिटी ऐड करनी है, क्योंकि ये आपका स्ट्रैटेजिक होगा। अगर नीचे जाता है इन्वेस्टमेंट स्टॉक तो वहाँ पे आप इसको एवरेज करें, ये आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। एक चीज़ ये भी कंसिडर किया जा सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग सकता है। मैं आपको यहाँ पे सलाह दे रहा हूँ कि आप एवरेज करो। एवरेज करने का मतलब है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो इसमें शॉर्ट टर्म बने रहो। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक यही एरिया में कंसोलिडेटेड कर सकता है। जो दिसंबर जनवरी तक ये स्टॉक एक कंसोलिडेटेड एरिया में था, उसके बाद ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई, तो फिर से ये रिपीट हो सकता है, एक एरिया में कंसोलिडेटेड करके इसमें रह सकता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो सकता है जी। तो देखिए, वहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाले बिजनेसेस आते हैं, और वो मुझे लगता है कि इनका एक बिज़नेस जो FMCG का है, और इनका जो बिज़नेस है होटल का, ये दो बिज़नेसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाले लगते हैं मुझे। क्योंकि अगर टोबैको का कोई न्यूज़ आता है, कंजप्शन आता है, लोगों में अवेयरनेस आता है, तो कहीं ना कहीं मे बी अभी इस टाइम पे उनको बिज़नेस मिल रहा है, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बन रहा है, लेकिन आगे भी बनता रहे ऐसा हम एक्सपेक्टेड नहीं रख सकते। क्योंकि आने वाले दौर में जो लोग हैं यंग है, वो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ कॉन्शियस की ओर जाएंगे, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर सकता है। तो मुझे अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो मुझे ये जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जो इनका FMCG का है। और ये FMCG में ये किंग बनने वाले हैं, FMCG में बहुत जल्दी ये इनका जो मार्केट कैप है वो बहुत ऊपर चला जाएगा जी। तो जहां तक मैं फ्रेश बाइंग की बात करूंगा, तो फ्रेश बाइंग के लिए आप थोड़ा सा क्वांटिटी जरूर एड कर सकते हैं, अगर कुछ इसमें करेक्शन होता है तो, क्योंकि ताकि आप बाद में इसको एवरेज कर सके, और एवरेज करने के लिए ऑप्शन लगे। और मैं भी ये रिकमेंडेशन आपको कर रहा हूं ये लॉन्ग टर्म के पर्पस में। तो कैसे इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपने चैनल पर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।